Naseer libero service. Aslam ke liye ka bahut hi acha hamla tha. Blocker ne koshish to ki lekin haathon se ball takra ke is martaba court ke bahar. Service change. Ball ko set kiya Zubair ke liye. Ali Naseer Umer cheena Al अच्छी रिसीविंग है, बहुत ही अच्छी स्मैश, नाइस प्लेसमेंट सांवल की जानब से, बहुत ही अच्छे अंदाज में खेले, हवा में राइज हुए और अच्छा पैच लगाया समर्थवा, कोर्ट को पुट करने में कामयाब रहे अपोजिशन कोर्ट में. अच्छी रिसीविंग है, बाल को सेट किया, इस मर्तबा खुद ही अच्छे अंदाज से खेले और बहुत ही कामयाबी के साथ बाल को अपोजिशन कोर्ट में डालने के लिए एक परफेक्ट थिंग का इस्तेमाल किया. बाल को सेट किया जुबैर Naseer सलीम गुलाम जलानी असलाम कल्याण अच्छी ब्लॉकेज है, बहुत ही अच्छी पोजीशन काशिफ सामल का जोरदार हमला रहा, ब्लॉकर्स के हाथों से टकरा गए बाल अपोजिशन कोर्ट. अच्छी रिसीव है काशिफ, बाल को सर के रोकने हैं उमर चीना के लिए और ब्लॉकर के हाथों से टच होती हुई बॉल अपोजिशन कोर्ट से बाहर. अच्छी सोच का इस्तेमाल किया, अपने तजुर्बे को बुरे काल है उमर चीना, पाकिस्तान बाट का इंटरनेशनल प्लेयर. Naseer लिब्रो इंटरनेशनल प्लेयर, इस मतबा बहुत ही अच्छे अंदाज में खेले गुलाम जिनानी. वन लाव अच्छी रिसीविंग है, चांस है सलीम के पास, टच करवाया ब्लॉकर के हाथों से, बॉल को सेट किया जलाने के लिए, अच्छी रिसीविंग रही असनार कल्याण, बहुत ही जबरदस्त हमला जुबैर की जानत से, वंडरफुल प्लेसमेंट दिस टाइम ब्रिलियंटली. टू लव सलीम राव, बाल को सेट किया लेकिन इस मर्तबा टच करवाने का जो जेन था उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे हैं जुबैर. आज के मुअज्जज मेहमान खुसूसी होंगे जनाब हाजी राना आसमान साहब, आप ऑनर हैं इत्तेफाक रेस्टोरेंट के मामू कंजन, बहुत ही आला शख्सियत के हामिल मंजे हुए इंसान हैं. लव थ्री राइट पाक लब कंजा कच्चा तांदला की टीम तीन पॉइंट्स के साथ सरे फेरिस्त. उमर चीना टकरा गए इस मर्तबा बॉल ब्लॉकर के हाथों से और कामयाबी के साथ बाल को अपोजिशन कोर्ट के अंदर डाला. अच्छी रिसीविंग स्नैन तैयार किए काशिफ, बाल को सेट किया Naseer लिब्रो, मुकम्मल तौर पर स्ट्रेस दिखाई दिए यहां पे,
बाल को फ्लाई नहीं कर सके और टच होती हुई बाल कोर्ट के बाहर। अच्छी रिसीव में गया, बाल को साथ किया उमर चीना के लिए। इस मरतबा कामयाबी के साथ टच करवाया ब्लॉकर के हाथों से और अच्छी प्लेसमेंट रही उमर चीना की। पाकिस्तान वापडा इंटरनेशनल प्लेयर उमर चीना, नासे लिब्रो इंटरनेशनल प्लेयर। अली स्नैन खलियार, अच्छी प्लेसमेंट थी, जोरदार स्पाइक का इस्तेमाल किया। सलीम अली काशिफ, अस्नान खिलियार हमलों पे हमले जारी किए हुए अपनी टीम को। बर्ती दिलाने में सरतोड़ कोशिश करते हुए स्नैन खिलियार, स्लो क्रॉस था लेकिन किसी भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं था इस बाल को रेज कर सके। स्लो क्रॉस लेकिन ब्यूटीफुल स्पाइक का इस्तेमाल किया, अच्छी प्लेसमेंट रही नासिर लिब्रो इंटरनेशनल की। 1-3, अच्छी रिसीविंग है जिलानी के हाथों में। स्नैर खलियाल बाल को सेट किया जुबैर के लिए, जोरदार स्पाइक का इस्तेमाल किया समझ जुबैर ने, अच्छे अंदाज से खेले, ब्लॉकर को चकम्मा देकर निकले हैं इस मरतबा। डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अंदाज से खेले, गलती हुई जी नासिर लिब्रो इंटरनेशनल। बिलोंग टू कंडास वाला नासिर लिब्रो, अच्छी रिसीविंग है बाल को साथ किया जुबैर के लिए, अच्छी रिसीविंग है वसीम की, गुलाम जलानी नासिर लिब्रो बाल को साथ किया उन्होंने मचीना के लिए, इस मतलब टेस्ट करवाया और लिब्रो के लिए कोई मौका नहीं था कि बाल को हवा में फ्लाइट कर सके। एफर्ट तो की लेकिन नाकाम ठहरे, सर्विस करेंगे नासिर लिब्रो। एक मरतबा फिर गलती हुई जी, जके बाद दिख रहे मिस्टेक्स ऑन मिस्टेक इन द सर्विस। अच्छी प्लेसमेंट है जुबैर की, ब्लॉकिंग रिसीविंग का कोई चांस नहीं मिला राइट पार्क क्लब को। अच्छी रिसीविंग है स्नैर क्लियर के पास, मौका था लेकिन यहां पे गवाया मौका को। सावल जलानी वसीम, वसीम ये गलती आपको महंगी पड़ेगी, बूस्टर के बाल को आपने हाथ लगा दिया। नासिर असर खलियार मौका है स्लो क्रॉस लेकिन इस मरतबा स्मैशर से गलती हुई थी। बाल को सेट किया उमर सिंह के लिए, अच्छा ब्लॉक था फुल स्टॉप, गुजरने का रास्ता बंद किया है इस मरतबा उमर सिन्हा का स्नैन खलियार और जिलानी ने। स्नैन खलियार स्लो क्रॉस, बाल को सेट किया, अच्छा ब्लॉक है जिलानी की जगह से, तालियां नहीं चाहिए सभी क्राउड की जगह से, तालियां नहीं चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये लड़का अच्छा खेल रहा है तो प्लीज उसके लिए क्लैपिंग किया करें क्राउड से, मेरी इल्तिमास है प्लीज। वसीम ने कोशिश तो की लेकिन बाल को फ्लाइट इन नहीं कर सके। यहां पे काशिफ सिनार खलियार, अच्छा
स्नैन कलियार का ओवर क्रॉस और बाल कोर्ट के बाहर। अच्छे रिसीविंग अली की, सावल जोरदार स्पाइक का इस्तेमाल किया था, अच्छी बेसमैन ही लेकर रिसीविंग अच्छी थी और थोड़ा सा लेजी नजर आए नासिर इंटरनेशनल लिब्रो, क्रॉस नहीं कर सके इस मरतबा। अच्छी रिसीविंग है, बाल को साथ किया सलीम के लिए, फोर्थ ही थ्री फोर मच्छी के पास मौका है लेखन है, अच्छी रिसीविंग रही है समर्थवा। जोर का मुकाबला, कड़क का मुकाबला, गजब का मुकाबला, दोनों टीमों ही अपनी पता के लिए जान लड़ाती हुई दिखाई दे रही है यकीनी तौर पे। आज के इससे पहले सेमीफाइनल के मुअज्जज मेहमान खसूसी जनाब हाजी राना उस्मान, आप ऑनर हैं इत्तेफाक रेस्टोरेंट मामू कांजन के, किसी भी तारफ के मोहताज नहीं, आला शख्सियत के हामिल, होनहार मेहनती और स्पोर्ट से मोहब्बत रखने वाले अजीम इंसान जनाब हाजी राना उस्मान इत्तेफाक रेस्टोरेंट। अभी थोड़ी ही देर बाद हमारे ग्राउंड की जीनत बनेंगे, हमारे स्टेज की जीनत बनेंगे,
मोतबे शख्सियत आप मामू कांजन जनाब हाजी राना उस्मान माबैन और गुलशेर क्लब के माबैन होगा। इससे अगला पड़ाव अल खालिद क्लब मामू कांजन और गुलशेर क्लब के माबैन होगा। अच्छी ब्लॉकेज है, क्रॉसिंग के रास्ते को स्टॉप किया, यहाँ पे कोई चांस नहीं मिला क्रॉस करने के लिए। सेवन फाइव को मुस्तहकम रख पाएंगे या नहीं ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। चिलानी काशिफ स्नैकलियाल इस मरतबा टच करवा गए, चकम्मा दिया है उमर चीना को उन्होंने, ब्लॉक तो था लेकिन ने एक परफेक्ट बैरियर को ब्रोकन किया है यहां पे। अल अहमद क्लब कंडास वाला बाल को सट किया उमर सीना के लिए, टच करवाया समर्थवा ब्लॉकर के हाथों से और एम फुल स्टॉप को यहां पे ब्रोकन किया। अच्छा म्यूट था उमर सीना की फुर्तियां। आउट क्रॉस, जोरदार हमला था, पावरफुल स्पाइक का इस्तेमाल किया लेकिन नाकाम ठहरे समर्थवा स्नैन क्लियर। एट सिक्स बहुत ही अच्छे अंदाज में खेले राय गुलाम जिलानी और परफेक्ट बैरियर को यहां पे उन्होंने ब्रोकन किया और बाल को कोर्ट में इंटर करने में कामयाब हुए अपोजिशन के। एट 8-6 ब्यूटीफुल प्लेसमेंट 6-8 अच्छी प्लेसमेंट है जुबैर की, जोरदार स्पाइक का इस्तेमाल किया, अच्छे अंदाज में खेले, हाई जंप को यकीनी बनाया। अच्छी रिसीविंग है स्नैन कलियार के पास, मौका है लेकिन इस मौके को जाया किया, वेस्ट किया यहां पे स्नैन कलियार ने। अच्छा बैरियर था, फुल स्टॉप लगाया इस मरतबा उमर चीना ने एंड देयर इज अ नो वे फॉर द क्रॉसिंग मिस्टर जिलानी, इट्स मैसेज कन्वे टू मिस्टर उमर चीना। पाकिस्तान वापड़ा इंटरनेशनल प्लेयर उमर चीना, नाइन सिक्स नौ छह का मुकाबला, गलती हुई जी। नासिर लिब्रो इंटरनेशनल प्लेयर अल अहमद क्लब गंडास वाला के खिलाड़ी, बाल को सर्व किया नासिर के लिए, अच्छा ब्लॉक था उमर सीना के पास, मौका है और इस मरतबा बाल को दागने में नाकाम रहे गुलाम जिलानी, स्लो क्रॉस है, बाल को सेट किया असलीम के लिए, अच्छी डिफेंस है गुलाम जिलानी, अच्छी ब्लॉकेज रही जुबैर की जानत से। स्नैन कलियार नासिर जुबैर इस मरतबा
गैप में खेले हैं, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था इस बॉल को फ्लाइट करने का। आज के मुअज्जज़ मेहमान खसूसी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, आला शख्सियत के हामिल, आला ज़र्फ के हामिल। 11-6 जनाब हाजी राना आसमान इत्तफाक रेस्टोरेंट वाले, अभी थोड़ी ही देर बाद हमारे ग्राउंड की, हमारे स्टेज की जीनत बनेंगे। हाजी राना उस्मान इत्तफाक रेस्टोरेंट के ऑनर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, काबिले दीन शख्सियत, मंजे हुए इंसान, समाजी शख्सियत जनाब हाजी राना उस्मान। जनाब हाजी राना उस्मान साहब, आप किसी भी तारों के मोहताज नहीं, आला शख्सियत है, बावकार शख्सियत, मोहतबर शख्सियत, खूबसूरत पर्सनैलिटी के हामिल, इत्तफाक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं आप, और आप तस्वीर रखते हैं, आपका खेल और खिलाड़ियों के साथ मोहब्बत तो का वालहाना सबूत है कि आप ने अपने कीमती टाइम से चांद लम्हात हमारे लिए सेक्रीफाइस किए और आज आप हमारे स्टेज की जीनत है। जनाब हाजी राना उस्मान साहब इत्तफाक रेस्टोरेंट के ऑनर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, मामू कांजन की पहचान है, अजीम समाजी शख्सियत, मजे हुए इंसान हाजी राना उस्मान साहब। और आज के इससे पहले सेमीफाइनल से मुस्तफीज होते हुए स्लो क्रॉस उमर चीना ब्लॉकिंग में नाकाम रहे। 6-12 लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस सेशन लीडिंग टू 6 पॉइंट अलामत क्लब घंटास वाला टीम। अच्छी रिसीव गया उमर चीना के पास, अच्छा मौका था लेकिन यहां पे गंवाया है मौके को। नासिर ने बॉल को सेट किया, गलती हुई जी, उमर चीना अच्छा ब्लॉकेज है स्नैक लिया की जानब से। सेवन ट्वेल्व इस मरतबा डॉजर ने क्लेवरनेस का इस्तेमाल किया, खूबसूरत अंदाज में खेले जुबैर और बाल को कोर्ट के अंदर दागने में कामयाब हुए। यकीनी तौर पे बाल को सेट किया जुबैर के लिए लेकिन किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था इस बाल को रेज कर सके, राइज कर सके। यकीनी तौर पे स्नैक के लिए आपके पास मौका है, इस मरतबा मौके को कैरी किया और टच करवा गए। 7-13 मतलब एक फुल स्टॉप को ब्रोकन किया यहां पे उमर चीना ने और ब्लॉकर्स के हाथों से बॉल टैच होती हुई कोर्ट के बाहर। 13-7 अच्छे से बन गया, बाल को सेट किया जुबैर के लिए, टच करवा गया समर्थबा, क्लेवरनेस का इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेले। यार
चेल्सी विंगर है अस्नेर कुलगार सेवन थर्टी वसीम करेंगे सर्विस इत्तफाक लबरत कच्चा तांदला की टीम के खिलाड़ी अच्छी ब्लॉगर थी लेकिन टच करवाया इस मतलब अच्छी प्लेसमेंट रही स्नैन क्लियर की जानब से बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खेले जोरदार स्पाइक का इस्तेमाल किया और पावरफुल स्ट्राइक थी नाइन थर्टीन कम बैक किया यहां पे रायतवा क्लब कच्चा तांदला की टीम ने अच्छी रिसीविंग है चांस है अस्नैन क्लियर के पास बहुत ही अच्छी डिफेंस बाल को सेट किया उमर चीना के लिए और अच्छी रिसीविंग गुलाम जलाली लिब्रो और एक मरतबा फिर मौका दिया यहां पे जुबैर को टोटली तौर पे खुला छोड़ दिया गया था आगे से ब्लॉकेज नजर नहीं आई मुझे बहुत ही अच्छी रैली रही थर्टी नाइन स्लो क्रॉस स्नैर क्लियर का नाइन थर्टीन फोर पॉइंट्स की लीड हासिल है अलामत क्लब गंडास वाला की टीम को अच्छा ब्लॉक है अच्छी रिसीविंग गुलाम जिलानी वसीम स्नैर क्लियर पर मौका था लेकिन यहां पे मौके को डिस्ट्रॉयड कर दिया एक अहम मौके पे वेस्ट किया है गोल्डन चांस को स्नैर क्लियर ने 39 अच्छी रिसीविंग है बाल को सेट किया स्नैर क्लियर के लिए मौका है लेकिन क्रॉसिंग बहुत ही अच्छी क्रॉसिंग रही इस वक्त में वाइजनेस का यूटिलाइजेशन किया क्लेवरनेस दिखाई और अपने फिट्स को हवा में रेस किया गुलाम जिलानी ने अच्छी रिसीविंग है जाते हुए आउट बॉल को छेड़ा है इस मरतबा अली ने गलती हुई जी 39 39 जिलानी काशिफ इस मतबा क्रॉस तो किया लेकिन कामयाबी नहीं हासिल कर पाए लास्ट बॉल गेम बॉल गेम बॉल नाइन लास्ट पांच पॉइंट की लीड हासिल है यहां पे गंडास वाला की टीम को अच्छी रिसीविंग बाल को सेट किया सलीम के लिए और बहुत ही अच्छे अंदाज से इस मतलब पावरफुल स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए अच्छा पंच लगाया है और बाल अपोजिशन कोर्ट के अंदर लास्ट नाइन लास्ट नाइन नाइन लास्ट नाइन लास्ट अच्छी रिसीविंग है बाल को सेट किया जुबैर के लिए काशिफ सावल बहुत ही अच्छे अंदाज में खेले असमत बा सावल पावरफुल स्पाइक का इस्तेमाल किया और बाल को कोर्ट के अंदर दागने में कामयाब रहे स्लो क्रॉस
लेकिन कामयाबी हासिल की है यहां पे। लास्ट टेन, लास्ट टेन, इस मतबा बहुत ही अच्छे ब्लॉकेज को ब्रोकन किया है यहां पे असनैन खिलियार ने, फुल स्टॉप लगाया लेकिन उसको ब्रोकन किया यहां पे असनैन खिलियार ने, और बहुत ही अच्छे अंदाज से जबरदस्त स्पाइक के साथ अच्छी प्लेसमेंट रही असनैन खिलियार की, अच्छी ब्लॉकेज है। 11 लॉस्ट, 11 लॉस्ट, अच्छी रिसीविंग है, बाल को सेट किया जुबैर के लिए, अच्छी रिसीविंग नहीं, और असमर्थवा सावल की पुर्तियां। 12 लास्ट, कम बैक किया है यहां पे राइट फा क्लब कच्चा तांदला की टीम ने, उमर चीना का स्लो क्रॉस, ब्लॉकेज में असमर्थवा खासी सुस्ती दिखाई दी मुझे स्नैल करियार की जानब से, स्लो क्रॉस था लेकिन अच्छी रिसीविंग रही, अच्छा ब्लॉकेज है, बहुत ही अच्छी डिफेंस का मुजाहरा, टच करवाया समर्थवा, बाल को सेट किया सलीम के लिए और आउट क्रॉस। ट्वेल्व लास्ट, इट इज अ गोल्डन चांस फॉर यू, स्लो क्रॉस रहा, किसी भी खिलाड़ी के पास से मौका नहीं था इस बार को फ्लाइट कर सके। ये तो पॉइंट्स की एडवांटेज हासिल है यहां पे अलाइनमेंट क्लब गंडास वाला की टीम को, सिर्फ दो पॉइंट्स की। चीना कमजोर दिखाई दी इस मतबा, सावल का बहुत ही अच्छा क्रॉस, ताली होनी चाहिए जी, पावरफुल स्पाइक का इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेले, अच्छी फॉलोअप लास्ट, अच्छी रिसीविंग है, बाल को सेट किया सावल के लिए, लास्ट ट्वेल्व, अच्छी रिसीविंग है, बाल को सेट किया सावल के लिए, इस मरतबार सावल ने टच करवाया दो ब्लॉकर्स के हाथों से, और ये कैम में म्यूट को यहां पे ब्रोकन किया है। 12 लास्ट, असनैन के पास मौका है लेकिन यहां पे इस मौके को कैरी नहीं कर सके, फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई दिया मुझे असनैन खिलियार इस मरतबा, अच्छा बैरियर था लेकिन उसको ब्रोकन नहीं कर सके। उमर जी ना कमजोर दिखाई दिए, लेजी दिखाई दिए, ट्वेल्व लास्ट, इस मौका पे इस तरह की गलती करना आपके लिए नाकामी का बाइस बन सकता है राय इतफाक क्लब के खिलाड़ियों। सर्विस करेंगे नासिर लिब्रो इंटरनेशनल, स्लो क्रॉस था लेकिन अच्छी रिसीविंग रही, और दोनों टीमों से मेरी इल्तिमास है प्लीज मामाने खसूसी के इस्तकबाली के लिए आप लाइन अप हो जाए।